हाय गाइस, मेरे चैनल रेसिपीज भाई अंशु में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में चटपटा खाने का बहुत कुछ मन करता है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ और जो खा के आपको बहुत मजा आता है। तो ये मोस्टली वैसे मिलती तो यहाँ पे हमारे नॉर्थ में तो नहीं मिलती, ये गुजराती डिश है तो गुजरात में ही मिलती है। तो हम नॉर्थ में रहते हैं तो लेकिन चटकारे तो हमारे चलते ही रहते हैं, तो इसलिए हमने गुजराती डिश आज लेके आए आपके लिए और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको दाबेली बनाने बताऊंगी। तो आइए बनाना शुरू करें। तो दोस्तों एक पैन ले लेंगे, गैस ऑन कर लिया मैंने और इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा गरम करने देंगे। तो दोस्तों ये हमने दाबेली मसाला पहले से बना के रखा हुआ है, मैं बना के स्टोर करके रख लेती हूँ एयरटाइट कंटेनर में। आज मैं बना रही हूँ दाबेली तो उसके लिए ये मसाला मैं यूज कर रही हूँ। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो इस ऑयल में हम ये जो मसाला है ये हम इसमें डालेंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसको। और ये मैंने एक बड़ा आलू बॉईल करा है तो ये मैं इसमें डालूंगी और इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसका मसाला बनाना बहुत इजी है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इसकी रेसिपी दाबेली मसाले की। तब तक ये हमारा अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता मसाला, तब तक हम इसको ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों 5 से 7 मिनट मेरे इसको हो गए हैं क्योंकि हमारा मसाला पहले से ही भुना हुआ था, बस हमें इतना मैश करना है इसको कि हमारे आलू में सारा फ्लेवर मसाले का आ जाए। तो ये हमारा हो गया है, अब हम गैस को करेंगे बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो दोस्तों हमने आलू की स्टफिंग इसके लिए तैयार कर ली है मसाला मिक्स करके। इसके अलावा मैं और जो चाहिए होगा वो जो हरी चटनी है ये मेरी हरे धनिए की और ये मीठी चटनी है और ये थोड़ी सी बारीक प्याज काटी है, ये थोड़ी सी सींग दाना है, ये नाइलॉन सेव है, थोड़े बारीक वाले सेव होते हैं वो है और ये हमारे बन है। तो दोस्तों हम इस पाव के 2 टुकड़े कर लेंगे और बीच में से कट कर लेंगे, थोड़ा जुड़ा रहने देंगे इसको। थोड़ी सी जो मीठी चटनी है ये इस पर लगाएंगे, उसके बाद हरी चटनी लगाएंगे इस पे। जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार करा है वो इसमें लगाएंगे ऊपर भर के अच्छे से। इसके बाद हम थोड़ी सी इस पे प्याज डालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, फिर हमने ये मूंगफली ली है रोस्ट, ये हमने ड्राई रोस्ट करी है मूंगफली और ये हम इसमें डालेंगे क्योंकि मूंगफली का फ्लेवर इसमें सबसे ज्यादा होता है तो मूंगफली हम थोड़े ज्यादा डालेंगे, दबा दबा के अच्छे से डालेंगे ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए मसाले में गिरे नहीं। हल्का सा मसाला और लगा देंगे इस पे ताकि हमारी सारी जो मूंगफली है सारी फिक्स हो जाए इसमें मसाले में और निकले नहीं। और इसके बाद हम थोड़े से इसमें सेव डाल देंगे, और फिर हम इसको बंद करेंगे। इसी तरह से हम सारी पाव तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इनको फिर सेकेंगे। तो दोस्तों ये हमने सारी स्टफिंग भर ली है, सिंगदाना भर लिया है इसके अंदर, हरा धनिया डाल लिया, प्याज डाल लिया, सारी स्टफिंग हमने
भर लिए है इसके अंदर, अब हम इनको सेकेंगे। दोस्तों हमने एक पैन ले लिया है, इसको हमने गरम कर लिया है, थोड़ा सा घी लगाएंगे इस पे और इनको हम ऐसे रख के सेकेंगे, लो फ्लेम पे सेकेंगे इसको, थोड़ी करारी बन जाए ताकि ये, थोड़ा सा ऊपर से घी लगा देंगे इस पे। ये हमारे इधर से सिक गए, थोड़ा सा हम इधर से दबा के सेकेंगे इसको। चारों तरफ से सेक लेंगे इसको, क्योंकि पाव हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तभी इसको खाने में मजा आएगा। और ये हमारी सिक गई है, हम इसको एक टेप में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी भी सेकेंगे ऐसे घी डाल लगा के, थोड़ा ऊपर से लगा देंगे। पर ये हमारी चारों तरफ से सिक गई है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सारी ऐसी सेक के रख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी दाबेली बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी दाबेली बनी है। आप इसको बनाओ, खाओ, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करो। आपको एक टिप और बताती हूँ मैं, अगर आपके पास दाबेली मसाला ना हो तो आप एक तरीके से और बना सकते हैं। इसमें हरी चटनी, लाल चटनी, थोड़ा सा कोकोनट का चूरा आता है वो मिक्स करके, और थोड़े से हमारे जो घर में खड़े मसाले होते हैं उन सबको ड्राई रोस्ट करें और उसको मिला के पाउडर बना लें, और उसके बाद उसको आलू मैश करके आलू में मिला के, और आप ऐसे इस तरह से भी दाबेली बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और आगे की कौन सी रेसिपी आपको मेरे से बनवानी है प्लीज कमेंट्स करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।